क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, साल के अंत तक 2 लाख नियमित शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार में लालू के करीबी की बेटे की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। नालंदा में नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, मस्जिदों के पास पुलिस की पैनी नजर। सहरसा में मनरेगा योजना में बड़ा बदलाव आया सामने, मजदूर के बदले काम कर रही है मशीन। नालंदा में छात्राओं ने सरकारी योजनाओं की खोली बोल कही, योजनाओं से छात्र दिखे नाखुश। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बड़ी घोषणा की है। साल के आखिरी तक 2 लाख नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात कही है। ये घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह में की थी। नीतीश ने नियोजित शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाने का वादा किया था। नीतीश कुमार ने कहा कि महादलितों को आगे बढ़ाने के लिए विकास मित्रों का काम किया और शिक्षा सेवक का इन लोगों का तो हम 60 के लिए ही कर दिए, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि इनका काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी भी आगे बढ़ेगी। बिहार शरीफ में पिछले दिनों 2 दिनों से गुट में झड़प के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस दिख रही है। रमजान के चौथे जुम्मा की नमाज को लेकर शहर के सभी मस्जिदों के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे गए। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं ड्रोन से निगरानी करते नजर आए हैं। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक पलासिया ने कहा कि शहर के विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट है। माध्यम से यही देखा जा रहा है कहीं अनावश्यक जमावड़ा वगैरह ना लगाओ, कहीं भीड़ भाड़ ना हो गलियों में, ताकि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, तो वो सब का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सर, शहर के सभी मस्जिदों के आसपास ये सब हो रहा है? हाँ, सभी मस्जिदों पे एक तो डेप्यूटेशन किया हुआ है जिला प्रशासन की तरफ से, इसके अलावा जो ज़्यादा सेंसिटिव मस्जिद है वहाँ पर ड्रोन से भी ऊपर से नज़र रखा जाता है। बेतिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण व नगर परिषद क्षेत्रों में धूमधाम के साथ भीम चौपाल के रूप में मनाई गई है। आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक समरसता एवं समानता का मूल मंत्र देने वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर फूल अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी, BDO व पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद रहे। कल तक दीपोत्सव चलाया गया रात में हर दलित बस्ती में, और आज 14 अप्रैल को बाबा साहब का 132वां जयंती हम लोग पूरे धूमधाम से और दलितों के को जागृत करने के लिए, उनके अधिकारों को जानने के लिए, क्योंकि विधिकार हमारे बाबा साहब थे और उसी उनके सपनों को नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं, तो जैसे विधिकार थे वैसे ही नीतिकार हैं। इनके सपनों को, बाबा के सपनों को साकार करने के लिए नीतीश जी एकदम खड़े हुए हैं, और जब तक बाबा का सपना पूरा नहीं होगा तब तक दम नहीं लेंगे, चाहे उनके कार्यकर्ता दम नहीं लेंगे।
जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश था निर्देशानुसार 13 तारीख को हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करके अपने पूरे दलित समाज के साथ मनाया गया और आज जो है 14 अप्रैल को हम लोग सभी के साथ मिल करके रामनगर प्रखंड में कर्पूरी सभागार में हम लोग मनाया जा रहा है ये उनका जन्मोत्सव और बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। हमारे बाबा साहेब का एक नारा है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि जो सपना बाबा भीमराव जी का अधूरा रहा है उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे और उस चीज़ को हम लोग भली भांति सबको समझा रहे हैं कि अगर कोई भी दलित समाज से हो या कैमूर जिले में एसडीएम और एसडीपीओ की कार्रवाई से ट्रक चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई हुई तो ट्रक चालक अपनी अपनी गाड़ी लेकर भागने लगे। इसी दौरान 6 ओवरलोड ट्रकों को जब्त कर लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम मोहनिया सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि 6 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया गया है जिससे लगभग 24 लाख जुर्माना वसूल किया जाएगा। अभियान चलाया गया जिसमें जो 6 ओवरलोड ट्रक पकड़ी गई है। सभी 6 ट्रकों को एस एच ओ दुर्गावती माइनिंग इंस्पेक्टर और आरटीओ को नियमानुकूल कार्रवाई हेतु हैंड ओवर कर दिया गया। लगभग सर कितना राजस्व प्राप्त हुआ जुर्माना? लगभग 20 से 24 लाख के बीच में राजस्व आई हुई सरकार को। औरंगाबाद में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी और अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह के बेटे दिवाकर सिंह की हत्या कर दी गई। दिवाकर सिंह सो रहे थे तभी घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने उसे 4 गोली मारी। इसी मौके पर ही दिवाकर की मौत हो गई। इतना ही नहीं हत्या के बाद अपराधियों ने शव को छुपा दिया। इधर गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। लोगों ने वहां खून के धब्बे देखे तो अनहोनी की आशंका होने लगी। दिवाकर भी गायब था। इसके बाद लोग खोजबीन करने लगे। इसी क्रम में पुआल के ढेर में छिपी दिवाकर की लाश बरामद हुई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस छानबीन में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों का कारनामा सामने आया है जहां चोरों ने एक मोबाइल कंपनी का टावर ही चोरी कर लिया है। मामला जिले के सदर थाना के श्रमजीवी नगर का है जहां बंद मोबाइल टावर की चोरी हो गई है। मामला तब उजागर हुआ जब निरीक्षण के दौरान टावर एजुकेशन अफसर को टावर के साथ कई उपकरण नहीं मिला। इसे लेकर उन्होंने सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दिने में कितना आदमी आया था खुलने के लिए? 4-5 भी था। अच्छा, अब इसका चोरी का केस दर्ज हुआ? पता नहीं अब केस क्या हुआ नहीं हुआ। कितना दिन में खुला था ये बताओ? एक हफ्ता लगभग लग गया। खुलेआम खुल के ले गया सब सामान ट्रक पर? आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं? क्या नाम हुआ? कोई पूछताछ किया था कि काहे खोल रहे हो? काहे के लिए पूछेगा? जमीन वाला जानेगा कि जिसको लीज पर लिए हुए उसका नाम मामला है। सही बात। ना उससे हम लोगों को सुख था ना उससे दुख था। हम लोगों का टावर मोहल्ले के लिए ठीक नहीं है। जो लगा हुआ था वो हट गया था। कुछ जो हुआ दिया गया है ना साथ में सारे नमाज है और वो परिस्थिति में रहते हैं। GTL कंपनी के अधिकारी हैं। उनका कहना है कि सब्जी नगर में जो है उनका टावर कंपनी का टावर और साथ में उनका जो है कुछ छानबीन की जा रही है। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। कहते हैं टावर बंद था तभी जो जाँच की जा रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक
3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दाव पेज, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा में रहुई प्रखंड परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर कार्यक्रम के मंत्री श्रवण कुमार एवं सांसद कौशलेंद्र कुमार के सामने छात्राओं ने सरकारी योजनाओं की पोल खोल दी। कार्यक्रम में शिरकत करने आए छात्राओं ने छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, पोशाक योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज दिखे। छात्राओं ने कहा कि आज इस कार्यक्रम के मौके पर मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किए हुए सभी छात्र छात्राओं के साथ में दोरंगी नीति अपनाई गई। कुछ छात्र छात्राओं को इनाम के रूप में सोलर लाइट दिया गया है। समारोह नहीं था, यहाँ सिर्फ एक राजनीति कार्यक्रम था। जदयू को 2024 में जिताना है, लेकिन जदयू बस यही था, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था। दिक्कत क्या हुआ? आधे लोगों को मेडल मिला, आधे लोगों को नहीं मिला। कहाँ से नहीं मिला? आधे लोगों को सोलर लाइट मिला, आधे को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कार्यक्रम था तो पूरा व्यवस्था करना था ना। तो मैट्रिक में कितना नंबर लाए? 460 नंबर लाए हैं। कहाँ पढ़ते थे? गैबी हाई स्कूल में पढ़ते हैं। सोलर लाइट नहीं मिला? नहीं मिला। क्या नाम था? प्रिंसेस संजना। कुछ कोई योजना का लाभ ही नहीं, हम लोग जानते ही नहीं क्या योजना है, तो बताएंगे क्या? आज मंत्री बोली कोच है। बोले तो थे पर रिस्पॉन्स होगा तब ना। कितना नंबर लाए मैट्रिक में? 448। हिंदी में बताओ जी। 448 स्कूल में टॉप किए थे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अंबानी वैभव। तरह का योजना सरकारी नहीं मिला। कहाँ पढ़ती है बच्ची? मौर्य चक्षुपासंग उच्च विद्यालय। तो इस बार कितना नंबर लाई है? 448 नंबर, स्कूल का टॉप है। हाँ। मंत्री जी बोले कि सरकार के यहाँ से पोशाक मिलता है, साइकिल योजना मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, लेकिन किसी तरह का नहीं मिला। खाली दिखावा है, फोकस है सरकार का। मेरा नाम हुआ सतीश प्रसाद। बिहार के नालंदा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मेहंदी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती समारोह में शिरकत की थी। इस दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शेड्यूल कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए 4 मंत्र की जरूरत होती है। अगर वो 4 मंत्रों पर हमारा शेड्यूल कास्ट काम करे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सभी दृष्टिकोण से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहा कि 19 फरवरी 2015 को हमने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन किया। अगर हमारे पास 50 एमएलए का ताकत होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमें मुख्यमंत्री पद से कोई हटा देता। उन्होंने निजी सेक्टर में भी आरक्षण की मांग उठाई है। अनुसूचित जाति के लड़का में भी होवे है बुद्धि की ना हो ऐसे, लेकिन वो तो हो ना। तो यही वजह से कहा चाहे भीम आर्मी के लोग, अपन नौजवान साथी के लोग, कि अपन नेता चुना, अपन आदमी वोट दे के जाए कि वहाँ हुआ कोई डिगावे ना, अब न तो हुआ तो डिगावे लग जाए।
रोहतास में अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर शिक्षा संस्थान में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलम कुमारी ने किया। अंबेडकर जयंती को लेकर 5 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिसमें टॉप 10 विद्यार्थियों को सामान्य रूप से पुरस्कार वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक के संचालक बिट्टू कुमार ने किया है। कार्यक्रम में ओबरा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन किया और कहा कि नाटक के माध्यम से ही बच्चों में हर्षोल्लास होना चाहिए और अपनी हक को जानना चाहिए जो बाबा साहेब अंबेडकर ने जो हमें दिया है। रोहतास में एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई और वहीं एक घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहर के लोग दुर्घटना की खबर सुनते ही एनएच पहुंच गए और जाम कर दिया, जिससे कोलकाता दिल्ली एवं दिल्ली कोलकाता दोनों लाइन जाम हो गए हैं। खबर सुपौल से है, जहां विधायक रामविलास कामत व पूर्व मुखिया कारी प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से मध्य विद्यालय सखुआ के छात्र एवं छात्राओं में किताब वितरण किया। इसके साथ ही कई विद्यालयों में किताब वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। बता दें कि किताब बांटने के लिए 15 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसको लेकर स्कूलों में किताब वितरण के लिए पुस्तक उत्सव मनाया गया। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान विधायक ने स्कूल की पढ़ाई की जानकारी भी दी और बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। सम्मानीय विधायक को काफी धन्यवाद देते हैं और खास करके बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, जो आप विद्यार्थी के सभी खर्चों का वहन, जिसमें गरीब बच्चे विफल हो जाते हैं पुस्तक खरीदने में, आप पुस्तक का भी हैंड टू हैंड पुस्तक देने का काम किए। पहले खाता में राशि भेजी जाती थी, उसको उस पैसे का उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। इस माइनर चीज़ों पर, ये सूक्ष्मतम चीज़ों पर सरकार की ध्यान आकृष्ट हुई है, इसके लिए जो है सो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, जो आप बहुत अच्छा पहल किए, जो आप डायरेक्ट हैंड टू हैंड पुस्तक देने का काम किए और इसका लाभ जो है सुनिश्चित रूप से हमारे समाज को, हमारे छात्रों को मिले। स्कूल के पहले छात्रों को पैसा दिया जाता था पुस्तक खरीदने के लिए, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार हाथों हाथ सरकार के माध्यम से छात्र छात्राओं को पुस्तक दिया जाएगा, ताकि उसका पढ़ाई इसमें बाधित न हो सके और उसको समय पर किताब मिले और वो अपना पढ़ाई जारी रख सके। यही कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित, हम लोग सामूहिक रूप से उपस्थित होकर के सभी लोगों ने पुस्तक वितरण कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ किया है। सभी बच्चों को और बच्चियों को पुस्तक उपलब्ध कराया है। सर, कोई मांग रखे हैं छात्र छात्रा लोग? बहुत खुशी हुई है आज का जो मांग इस विद्यालय के लिए रखा। बिहार में जहां सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की योजना चला रही है, तो वहीं दबसरी और पंचायत में चल रही योजना मजाक बनकर रह जाती है। ताजा मामला है सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कढ़ाया पंचायत में चल रही फसल सुरक्षा का मजाक बनाया जा रहा है, जिसमें मजदूर की जगह जेसीबी मशीन का प्रयोग किया गया। ये काम दिन दहाड़े संवेदक के द्वारा किया जा रहा है। बताते चले कि मजदूर के जगह अपने रिश्तेदार के खाते में मनरेगा योजना का पैसा जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रतिनिधि और मनरेगा पदाधिकारी के मिलीभगत से योजना का मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर मनरेगा पदाधिकारी प्रमोद प्रियदर्शी ने बताया कि जानकारी मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नवादा में ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटने से हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि ई रिक्शा पर सवार कई यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। घायल के परिजन ने बताया कि बाजार जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया है। क्या हो गया? कौन थाना? मुफस्सिल थाना। क्या मामला है बताइए? एक्सीडेंट हुआ है टोटो से। कहाँ से जा रहे थे? गांव से नया से नवादा पंडित लिया रहे थी। तो कैसे क्या हो गया? टोटो से एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें पलट गया, क्या हुआ? हाँ, पलट गया। कई लोग घायल हैं इसमें? घायल है। कई को घायल हैं? चार। अच्छा, चारों आप ही परिवार हैं? हाँ, चारों। कौन थाना? मुफस्सिल थाना। क्या मामला बताइए। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका।